हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार की बहू में। तो आज हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस। पूरा ब्लॉग घूमने घूमने का ही होगा क्योंकि शॉपिंग करनी है, कल हमें जाना है घूमने बच्चों को लेकर के। बच्चे बहुत दिन से कहीं गए नहीं है, छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो हमें जाना है, तो इसलिए थोड़ा बहुत सामान लेना है मुझे भी, बच्चों को भी, और लैपटॉप सही कराना है क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए जो है डल नहीं पा रहे हैं ब्लॉग प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए लैपटॉप सही कराएंगे नेहरू प्लेस जा कर के। जो दिल्ली से है उनको पता ही होगा नेहरू प्लेस के बारे में, तो चलते हैं नेहरू प्लेस और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जितना हो सकेगा। निकल चुके हैं हम लोग तैयार होकर घर से जाने के लिए नेहरू प्लेस, और कपड़े चेंज करते करते इतनी गर्मी लगने लगी थी ना बहुत ज़्यादा, और घर में हम रहते हैं एसी चला के रहते हैं, पंखे के नीचे रहते हैं, इतना पता फिर भी नहीं चलता, बाहर निकलते ही तो वही। अब की बार तो वास्तव में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, गर्मी में हालत ख़राब। बच्चे 2 बजे से हल्ला मचा रहे थे, चलना है जाना है चलो चलो चलो, नहीं नहीं करते करते भी 4 साढ़े 4 बजे हम लोग निकले हैं, और इतनी गर्मी तब भी। खैर कोई नहीं, जब घर के काम होते हैं, कुछ लेना होता है कुछ भी, तो गर्मी हो या सर्दी हो पूरे करने ही होते हैं, तो हम निकल चुके हैं। ऑटो का वेट कर रहे थे हम लोग, लेकिन ऑटो वाला कोई खाली नहीं आ रहा था, ज़्यादातर सब फुल ऑटो ही आ रहे थे, और गर्मी की वजह से ज़्यादातर खड़े हो नहीं पा रहे थे, इसलिए हमें बस मिली सामने, तो जो सीधा वहीं जा रही थी, तो हमने कहा चलो बस ही ले लेते हैं। इस बार हम बस से गए हैं, जा रहे नेहरू प्लेस। पहुंच चुके हैं हम लोग नेहरू प्लेस, और हमारे घर से नेहरू प्लेस का रास्ता 15 से 20 मिनट का ही है। अगर हम स्कूटी से जाते तो और पहले ही पहुंच जाते 15 मिनट में, लेकिन कोई नहीं, बस से हमें 20 या 25 मिनट लगे होंगे। प्यास लग रही है, बच्चे कह रहे हैं मम्मा पानी पीना है, हम बोतल ले जाना ही भूल गए थे पानी की, घर से निकलो तो पानी की बोतल साथ में लेके निकलो। अरे ये इतनी बड़ी गलती हो गई थी, यही सोचा था, रखी भी थी बोतल लेकिन वो घर पे ही रह गई बेड पे रखी भी। तो अब पहले मैं लैपटॉप ही दूंगी अपना ठीक होने के लिए, लैपटॉप वो करते रहेंगे। इतने में हम क्या है, मेरा ट्राईपॉड का माउंट टूट गया है, माउंट ले लेंगे हम लोग, 2 ट्राईपॉड है, दोनों के माउंट टूट गए हैं मेरी गलती की वजह से। फ़ोन लगाते वक्त मैंने उसका ज़्यादा उसको खींचा तो उसका स्प्रिंग टूट गया। यहाँ दूंगी मैं लैपटॉप सही होने के लिए अपना, इस जगह पे, यहाँ लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह सब रिपेयर होते हैं ज़्यादातर, यहाँ से मैंने माउंट ले लिया है। प्रथम क्या था, मम्मा रिंग लाइट भी ले लो, मैंने कहा नहीं अभी नहीं लेंगे रिंग लाइट, इतना कोई ज़रूरी नहीं है रिंग लाइट की। ये वाला मैंने माउंट ले लिया है, काव्य को बहुत गर्मी लग रही है, मेरे को भी देखो कितने पसीने आ रहे हैं, सूट गीला हो चुका है, और ये भी बेचारे गर्मी में बैठे हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए, और हम कह रहे हैं हाय गर्मी गर्मी। प्रथम को चाहिए थे ईयरबड्स जो उसको नहीं मिले सही, भूख लगी थी हम लोगों को, तो हम आ गए थे इस रेस्टोरेंट में जो चाइनीज़ फूड मिलता है ज़्यादातर, लेकिन जितना भी मिला हमारी समझ से बाहर था, हमें टेस्ट नहीं समझ में आया किसी को भी। हमारे लिए तो यहाँ पे आना मतलब पैसा वेस्ट वाली बात रही,
ना तो सर्विस ही अच्छी थी इन लोगों की, ना ही खाने में कोई टेस्ट था। जब भी हम नेहरू प्लेस जाते हैं ना, वहाँ पे या तो कढ़ी चावल लेकर खाते हैं, कढ़ी चावल बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पे, या राजमा चावल फेमस है। ये हम कुरकुरे मोमोज लिए थे हमने, पहली बार खाए वाले मोमोज मैंने, और मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मोमोज वाला कोई फ्लेवर ही नहीं था उसमें, और वो इतने ज़्यादा कुरकुरे थे कि वो मुँह में ही लग रहे थे, मुँह छिल गया था मेरा ऊपर से तालवा जो होता है। फिर हमने सोचा चलो कुछ और मंगा के देखते हैं, हो सकता है कुछ और टेस्टी लगे। तो हमने आलू के पराठे मंगाए थे, आलू के पराठे के साथ इन्होंने दिया था रायता और सलाद थी और चटनी दी थी। रायता इतना ज़्यादा खट्टा था और चटनी ऐसी लग रही थी जैसे ख़राब हो गई हो। उसके बाद आ चुके हम घर पे थके हारे, शॉपिंग वॉपिंग करके। शॉपिंग का ब्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी, जो भी हम लाए वो आपको अलग से दिखाऊँगी। थक भी गए, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।